Okay. So basically we are talking about technical toolbox. कि हम technical analyst हैं तो हमारे पास एक toolbox होना चाहिए. जैसे हर एक cricket में एक kit bag होता है या हर एक sport में एक bag होता है, वैसे technical analyst के पास भी अलग-अलग tools के tool bag होने चाहिए. तो पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा introduction देता हूँ. I'll just introduce myself. कई लोग मुझे जानते हैं, कई मुझे नहीं जानते हैं. मैं founder हूँ WaveMetric चार्टिंग सक्सेस का, प्रोप्राइटर ट्रेडर हूँ, अपने लिए ट्रेड करता हूँ, दोस्तों के कहने पे और कई रिश्तेदारों के कहने पे नीचे उतरा, और जनरली इस टाइप के सेमिनार्स मैं नहीं करता, लेकिन इस बार काफ़ी जोर दिया गया मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में कि तुम जाओ और अपने नॉलेज को शेयर करो कि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके. मैंने RSI गुरु एंड्रू कार्डवेल के साथ काम किया है 5 से 6 साल, उनसे मैंने RSI सीखी है और कोशिश यही करता हूँ कि उनसे बेहतर कर पाऊँ या उनके जैसा कम से कम कर पाऊँ. मैंने RSI पे एक पेपर भी लिखा है रिसेंटली, जिसके लिए मुझे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट ने MFTA दिया है, और मैं इस पेपर के बारे में भी कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा. मैं रिटेल ट्रेडर्स को जनरली असिस्ट करता हूँ, पहले HNIs को करता था या फंड मैनेजर्स को करता था, तो वहाँ से नीचे उतर के मैं रिटेल्स के पास आया हूँ, क्योंकि उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है और वहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है. तो आज का फ्लो है सबसे पहले कि कैन आई ट्रेड. ये सवाल बहुत ज़रूरी है सब पूछने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सब आए हैं, ट्रेडर हैं, और सबके दिल में यही सवाल है कि कैन आई ट्रेड, क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ. तो हम इसके बारे में सोचेंगे, सुनेंगे. मल्टी कोलिनियरिटी ये एक बीमारी है टेक्निकल एनालिसिस में, जो कई लोगों को लगी हुई है, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा. MACD जो हम यूज़ करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के लिए, RSI के बारे में मैं बेसी नहीं बोलूंगा, दो शॉर्ट सेटअप आपको दिखाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए, बॉलिंजर बैंड पे भी दो पावरफुल सेटअप दिखाऊंगा, कैंडल्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करूँगा, और उसके बाद अपने देखेंगे करंट मार्केट कहाँ पर हेडेड है, कहाँ जा रही है. सो पहले स्टार्ट करने के पहले दो तीन चीज, वी शुड हैव रियलिस्टिक गोल्स. ठीक है, तो जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं या कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है, तो उनका यही गोल होता है कि उन्हें ऐसा कोई चीट कोड मिल जाए, जैसे अलीबाबा 40 चोर का है, कि मार्केट के पास जाके बोले खुल जा सिम सिम, और वो खोल दे और वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाए. तो मार्केट में ऐसा नहीं है. एक अगर आप ट्रेडर हो तो आप जानते हो कि एक डिसेंट रिटर्न्स क्या होती है. हर एक महीने का 3 से 4% अगर आप कमा रहे हो तो साल का 36% या 40% होता है. तो इससे ऊपर अगर आप एक्सपेक्ट करते हो या कोई आपको गारंटी करता है कि इसके ऊपर आपको दे रहा है 100%, 200%, तो उसको बोलो आधा तुम रख लो, बाकी मेरे को 40% दे दो और लिखा लो. डोंट रश विद द क्राउड. सो व्हाट योर नेबर इज बाइंग डोंट बाय दैट. आप खुद इवैल्यूएट करो, एनालिसिस करो, और उसके बाद उसको खरीदो. तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, इवैल्यूएट एंड एनालिसिस बिफोर पुटिंग इन योर मनी. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप लर्निंग. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज मार्केट चेंज हो रहा है, रोज नया डायनेमिक आ रहा है. मैं अभी भी सीखता हूँ, मैंने एंड्रू सर से भी सीखा है, और इंडिया में काफ़ी टीचर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, कोच हैं जिससे मैंने सीखा है. तो सबसे पहला सवाल, कैन आई ट्रेड. एवरीबडी सिटिंग हियर हैज़ द सेम क्वेश्चन कि कैन आई ट्रेड. तो सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि वी शुड थिंक ट्रेडिंग एज एन प्रोफेशन. प्रोफेशन की तरह लेना पड़ता है. ऐसा नहीं कि साइड की पॉकेट मनी के लिए ट्रेड कर रहे हो, या भाई रोटी कपड़ा रोटी तो मिलता है, सूप के लिए ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या पनीर के लिए ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं है. ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन होना चाहिए. तो प्रोफेशन स्किल के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल बैठे हैं, कोई डॉक्टर्स भी हैं, कोई इंजीनियर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं. प्रोफेशनल स्किल के लिए तीन चीज़ ज़रूरी है, एडुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एथिक्स. तो पहले एडुकेशन के बारे में बात करते हैं. जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, और डॉक्टरी के लिए MBBS के लिए हम लोग कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं. ट्रेडिंग के लिए ऐसा कोई एस्टैब्लिश्ड कॉलेज या कुछ नहीं है. तो हम जनरली कोचेस के पास जाते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए. तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी इसमें यह आती है, हाउ डू वी एनालाइज आवर कोचेस.
कि हमें जो सिखाने वाला बंदा है वो कितना इफेक्टिव है, हाउ डू वी एनालाइज इट, सो हाउ डू वी चूज अ ट्रेडिंग कोच. सबसे पहले फोकस ऑन कोच पर्सनल रिजल्ट्स. आप देखो आपका कोच कितना इफेक्टिव है ट्रेडिंग में, पर्सनल रिजल्ट्स देखो, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल देखो, हो सके तो उनसे स्टेटमेंट भी मांगो ट्रेडिंग के कि सर आप बताओ मेरे को कि आपने क्या ट्रेड लिया लास्ट में, कैसे लिया, क्या लिया, सब चीज मांगो. इमोशनल मत हो, बिकॉज एवरीबडी विल टेल यू दैट आवर ट्रेडिंग में यू विल अर्न 200%, 300%, 400%, राइट. सो डोंट गेट इमोशनल, डोंट गेट गेट अवे और कैरिड अवे विद द यू नो द सेलिंग पेजेस, द हार्ड सेल पेजेस. और अपनी पर्सनैलिटी और अपने स्टाइल के हिसाब से कोचिंग सीखो, ट्रेडिंग करो, राइट. इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, देर इज नो पॉइंट इन लर्निंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट. सो यू हैव द कोचिंग दैट यू आर टेकिंग शुड सूट योर स्टाइल. उसके बाद एक्सपीरियंस. तो एक्सपीरियंस कैसे आती है? ब्रेन सर्जरी की किताब पढ़ के आप ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए मार्केट में बने रहने के लिए. तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? अब आप समझो न्यू ईयर के समय सब जिम ज्वाइन करते हैं रेजोल्यूशन लेके. एक दिन आप जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, शीशा के पास आके खड़े होकर देखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले यार क्या हो रहा है. नेक्स्ट डे यू अगेन गो, यू वर्कआउट मोर हार्डर, कम अप एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्टिल नो रिजल्ट्स. थर्ड डे यू वर्कआउट फॉर 9 आवर्स, यू अगेन कम आउट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नो रिजल्ट्स. तो ऐसे रिजल्ट नहीं आता है. बट एवरी डे इफ यू आर वर्किंग आउट फॉर 20 मिनट्स फॉर 6 मंथ्स, उसके बाद आप शीशा देखते हो तो यस देर इज रिजल्ट्स, देर आर रिजल्ट्स, क्योंकि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है. तो ऐसे नहीं कि एक दिन आप ट्रेड किए, दो दिन ट्रेड किए, तीन दिन ट्रेड किए बिना एक्सपीरियंस के, लॉस हुआ गेट आउट. यू हैव टू स्टे देयर इन द मार्केट्स. एथिक्स, सबसे पहले ये 80-20 रूल्स. 80-20 रूल ये है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और उसका स्ट्राइक, जैसे स्ट्राइक रेट अगर आपका 10 ट्रेड हिट होता है, तो उसमें से ये ध्यान रखिएगा कि जो 20% ट्रेड होंगे वही आपके पोर्टफोलियो के सबसे बेस्ट ट्रेड्स होंगे, बाकी 80% ट्रेड एवरेज होंगे. सो डोंट गेट इमोशनल कि भाई ये मेथड से मेरा 20% ट्रेड ही अच्छा चला या 80% नहीं चला. तो ये 80-20 रूल यू हैव टू कीप इन माइंड. थिंक इन प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटी में सोचना बहुत जरूरी है. इफ़ यू हैव एन सिस्टम एंड इफ यू हैव एन एज दैट गिव्स यू अ स्ट्राइक, मतलब कि 10 ट्रेड में से अगर ये आपका 80% ट्रेड देता है या 60% ट्रेड्स आपके राइट होते हैं, ऐसा एज आपके पास है, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, तो अपने इस प्रोबेबिलिटी और इस एज को लेकर मार्केट में ट्रेड करना शुरू करते हैं. पहला ट्रेड गलत होता है, दूसरा ट्रेड गलत होता है, तीसरा ट्रेड गलत होता है, चौथा ट्रेड गलत होता है, उसके बाद अपने क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है. लेकिन अपने ये भूल जाते हैं कि अपनी जो एज है या जो अपना सिस्टम है उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है. तो पांचवा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट होगा ही, और उसके बाद आने वाले 6 ट्रेड्स प्रॉफिट होंगे. तो ये प्रोबेबिलिटी की जो सोच है ये अपने जहन में लाना बहुत जरूरी है. यू हैव टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज. रिस्क कंट्रोल. प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच के स्टॉप लॉसेस के बारे में सोचना बहुत बेसिक जरूरी है. कितना कमा सकता हूँ ये मत सोचो, इस ट्रेड में हाउ मच आई कैन लूज वो सोचिए. तो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टी कोड लिनियरिटी. ये एक बीमारी है. क्या होता है कि व्हेन यू बाय एन टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर एंड यू सी द इंडिकेटर लिस्ट, देर आर 300-400 इंडिकेटर्स ऑन इट, राइट. और आप इतने एंथुजियास्टिक हो जाते हो उसको लेके दैट यू स्टार्ट प्लॉटिंग देम ऑन योर चार्ट्स विदाउट नोइंग इट कि दे आर गिविंग द सेम इंफॉर्मेशन. ये सब सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि सब सेम प्राइस के डेरिवेटिव या तो क्लोज को यूज करते हैं या हाई को यूज करते हैं या लो को यूज करते हैं. दे गिव द सेम इंफॉर्मेशन. सो सपोज ऑन दिस चार्ट यू कैन सी आई हैव प्लॉटेड RSI 14, CCI 14, अल्टीमेट इंडिकेटर एंड विलियम्स परसेंटेज आर. ये चारों इंडिकेटर क्लोज को यूज करते हैं. सो ऑन द लेफ्ट साइड ये जो लाइन मैंने बनाई है, यू विल सी दैट ऑल फोर्स आर शोइंग ओवरबॉट. ठीक है, तो एक इंडिकेटर में आप ओवरबॉट देखते हो, दो इंडिकेटर में ओवरबॉट देखते हो, तीसरे में देखते हो, चौथे पे देखते हो,
तो आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल है क्योंकि चार इंडिकेटर एक ही चीज दिखा रहा है, बट द रियलिटी इज कि ये स्ट्रांग सिग्नल नहीं है, ये चारों इंडिकेटर आपको सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बिकॉज इसकी कैलकुलेशन या जो फील्ड यूज करते हैं दैट इज सेम, दे आर यूजिंग क्लोजिंग प्राइस. सिमिलरली ऑन द राइट साइड आप देखो, ये जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये चारों ओवरसोल्ड दिखा रहे हैं. तो आप क्या देखोगे कि भाई चार इंडिकेटर ओवरसोल्ड दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छा बाय सिग्नल है क्योंकि चार इंडिकेटर दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चारों एक ही चीज बता रहे हैं. सो दिस इज मल्टी कोलिनियरिटी. उसके बाद ये डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस बहुत इन और फैशनेबल वर्ड है. तो आप देखो चारों इंडिकेटर ने डाइवर्जेंस दिखाया, सो यू गेट वेरी श्योर कि ये बहुत स्ट्रांग डाइवर्जेंस है क्योंकि चारों इंडिकेटर डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, राइट? तो आप जाके जबरदस्त बेचोगे, जहां एक लॉट बेचना चाहिए वहां चार लॉट बेच दोगे क्योंकि चार इंडिकेटर ने बताया. बट द ट्रूथ इज दिस कि ये चारों दे आर टेलिंग अस गिविंग अस द सेम इंफॉर्मेशन. सो टेक्निकल इंडिकेटर्स हम कैसे चूज करें, हम लोग देखें कि वो क्या पैरामीटर यूज करते हैं बनाने के लिए, किस पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं वो अपने कैलकुलेशन में. तो मोमेंटम के लिए वो रेट ऑफ चेंज, प्राइस की रेट ऑफ चेंज को यूज करते हैं. सो मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज RSI, CCI, विलियम्स आर, स्टॉक RSI, ट्रेंड्स, अल्टीमेट इंडिकेटर, अरुण, स्टोकास्टिक रेंज, ये सब क्लोजिंग प्राइस या रेट ऑफ चेंज को यूज करते हैं. दे आर गिविंग द सेम इंफॉर्मेशन, कोई अलग इंफॉर्मेशन ये नहीं देते. ट्रेंड के लिए वी यूज मूविंग एवरेज. ट्रेंड जनरली जो ट्रेंड हम देखते हैं कैसे होता है, मूविंग एवरेज इज द बेस्ट मेजर ऑफ ट्रेंड. एक लोअर मूविंग एवरेज एक हायर रेंज का मूविंग एवरेज के ऊपर जब ट्रेंड करता है तो उससे MACD, ATR, ADX, DMI, प्राइस ऑसिलेटर, दे ऑल यूज मूविंग एवरेजेस अपने कैलकुलेशन में. सो बेसिकली इफ यू आर यूजिंग दिस फोर इंडिकेटर्स और फाइव इंडिकेटर्स, दे आर प्रोवाइडिंग यू द सेम इंफॉर्मेशन, कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे हैं. इसीलिए आप इसमें से एक चूज करो जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो. सिमिलरली वॉल्यूम्स जो है, इट टेल्स अस अबाउट एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के लिए ये छह इंडिकेटर या सात इंडिकेटर यूज होते हैं. चेक इन वॉल्यूम इंडिकेटर, वॉल्यूम ऑसिलेटर, डिमांड इंडेक्स, ऑन बैलेंस वॉल्यूम एंड मनी फ्लो इंडेक्स, दीज आर यूजिंग द सेम इंफॉर्मेशन, वो है वॉल्यूम या एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस फोर फाइव इंडिकेटर्स, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स, क्योंकि ये सेम चीज पे बने. तो एक 4D फोर्थ डायमेंशनल व्यू मार्केट का हम लेते हैं एंड वी यूज ट्रेंड. ट्रेंड के लिए हम यूज करते हैं MACD, प्राइस एंड वॉल्यूम के लिए कैंडल्स, मोमेंटम के लिए RSI, और वोलेटिलिटी के लिए बॉलिंजर बैंड्स. सो दीज आर द फोर बेसिकली डायमेंशंस ऑन विच मार्केट वर्क्स मेजर टाइम. ठीक है, तो ट्रेंड, प्राइस, मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी, तो दीज आर द फोर इंडिकेटर्स दैट आई हैव चोजन. मैं कंफर्टेबल हूँ इसके साथ, यू कैन चूज वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. सो MACD, तो मैं आपको अभी चार पांच ठो सेटअप बताता हूँ MACD की, वेर यू कैन यूज MACD फॉर ट्रेंड ट्रेडिंग. फर्स्ट है CLC, जिसे सेंटर लाइन क्रॉसओवर. सो व्हेन द MACD लाइन एंड द सिग्नल लाइन क्रॉसओवर्स द सेंटर लाइन टू द अप, द ट्रेंड इज बुलिश, एंड व्हेन द MACD लाइन एंड द सिग्नल लाइन क्रॉसेस द सेंटर लाइन टू द डाउन, द ट्रेंड इज बेरिश. जो सेटिंग्स है MACD की मैंने डिफॉल्ट रखी है, हाउएवर यू कैन ट्विक इट. तो ये चार्ट आप देखो, एट दिस पॉइंट बोथ द सेंटर लाइन, एट द फर्स्ट पॉइंट बोथ द सेंटर लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, और आई हैव मार्क्ड बाय देयर. सिमिलरली थोड़ा आगे प्रोसीड करके यू विल सी कि सेल आया व्हेन द सेंटर लाइन एंड द सिग्नल लाइन क्रॉसेज द जीरो लाइन ऑन द डाउन साइड, एंड अगेन वी गेट अ बाय व्हेन द सेंटर लाइन एंड जीरो लाइन क्रॉसेज द MACD ऑन द अपसाइड. सिंपल स्ट्रैटेजी. सिमिलरली ये सेंटर लाइन क्रॉसओवर, यू कैन सी सेल आया
on the left side, if you start from the left side, you will see just vanilla MACD using signal line and center line crossover. Then is next is zero line reversal. So after turning bullish, that trend corrects, and if the MACD reverses from the zero line, it is a buy signal. That means ki center line se MACD upar cross kar liya hai, and then market mein correction aati hai, aur wo zero line MACD ke zero line ke upar bounce karke wahan se reverse kar jata hai, to ye ek buy signal hota hai. Ya already aapki positions hain to aap is pe add kar sakte ho. And after turning bearish, the trend corrects to the upside, and if the MACD faces resistance at zero line and drops, to ye sell signal hota hai. So you will see here, first is the center line crossover, CLC maine mark kiya hai. The MACD corrects to the downside, zero line se dono signal line aur MACD line dono niche ja rahe hain, and then it comes up and bangs on the zero line again, and we get a sell signal. This is the zero line reversal setup. Similarly, on the upside, you will see CLC, the MACD and the zero line crosses, the signal line crosses the zero line on the upside, aur uske baad it comes and bounces on the zero, we get a buy. Thereafter, we get a buy again, and we get three buys in consecutive, whereas the prices are making higher highs and higher lows. And uske baad we get a sell, CLC, that is the center line crossover, aur uske baad we get a zero line reversal. The same setup here, it's only the zero line reversal setup. Zero line reversal setups. After getting the initial buy, that is the crossover of the signal line, we see a bounce on the zero line and the prices go up, and then again we get a resistance on the zero line and the prices come down. Another important thing or divergence jo MACD mein hum jab dekhte hain kai bar, that is the difference between the price and the momentum. That means if the prices are making higher highs and the MACD is making a higher low, it is a divergence. Matlab the momentum is not following the price. Similarly, when the prices are making lower lows and the MACD is making a higher high in the downtrend, the same thing happens, the momentum is not following the price. Iska matlab thoda upside correction aa sakta hai, we can get a correction on upside, it does not signify any trend change. So here is this bearish diversion, prices are making higher high, MACD makes a higher low, and there is a difference between the price and momentum, and the prices come down. Similarly, on the second slide, this is the bullish divergence, prices making lower low and MACD making a higher high. Bullish divergence again. Yeah. On the price as well as the indicator. But where do you actually start purchasing and how do you come to know? You can purchase on the swing, yeah, jab se swing jab tootta hai, crossover above the swing high, you can use classical charting, right? Or you can use any candlesticks signal. This is basically, I'm telling you about the trend flow. I understand. Yeah. You can buy on the swing when the swing breaks on the upside. Price. Yeah. So divergence is basically is not a trend change, as I have told you. So this is the divergence trap. Thus you see the price is continuously making higher highs, and the MACD is continuously making lower highs, but there is no bulge in price or koi bhi correction nahi. So basically, divergence does not mean a trend change. Ho sakta hai, we can get a little bit correction on the downside. How do you foolproof this? I didn't get you, sir. How do you foolproof this? Foolproof? We'll come to that.
Another method is slingshot method. That means during the uptrend, the MACD and the price, ye divergence ka ulta hai, that is reverse divergence. So during the uptrend, the prices are making higher low and the MACD is making a lower low. So this, ye reversals, you can call it reversals on RSI or anything else. So this is not a basically a trading strategy. This is just a trend analysis. You can analyze the trend, whether the trend is still up or down. And when you get these reversals, you can be rest assured the trend is up. Similarly here, this is the downtrend. You will see that the prices are making higher lows, whereas the MACD is making higher highs. This is a slingshot or a reverse divergence, you can say. No. Yes, the prices are making higher lows and the MACD is making a higher high. Same time, this MACD is also making a lower low. Where you can see a lower low? Same, just draw a straight line. No, I'm talking about swing, only the swings, major swings. No, after the swing is complete, we see that. Only in hindsight, we can say it was a swing. But then when the prices are going on... I have some practical examples I'll just show you. So there is a thought for your this thing. We can have a bull market MACD and a bear market MACD too. There are two types of MACD you can use. We're tweaking with the settings. And the default settings are not anything chiseled in stone, right? So today's market have become more dynamic, and this MACD was invented, 30, 40 years before. So the market dynamics were different then. So you can change it. Now we'll talk about RSI. That is a very famous subject and a very fashionable subject. So basically this support and resistance RSI, everybody, speaking about this thing. So I'll just, flow past it very quickly, and we'll come to the strategies then. So during the uptrend, the RSI takes support on the 30-35 area, and during the downtrend, the RSI resists at 60-65 areas. So the blue arrows I have marked, where RSI is taking support on the 35 and 40 areas, and the red arrow shows the RSI resisting on the 60 and 65 area. So I'll just get past this very quickly because this is a very common thing. And again, reversals and another thing that is very common and everybody knows about it. So I'll just get past it very quickly. So now we'll come to a strategy. That is RSI power play strategy. This is basically tweaking with the RSI settings, and we have set the RSI to a two-period setting. We have to plot a 5 simple moving average and a 200 simple moving average on the chart. Rules for longs are the price should be above 200 SMA, and the price should be at the same time below 5 SMA. RSI should be below 10 or rolling up from the 10 levels. You can buy on the same day at the end, because when you will be seeing RSI already rolling up from there, or you can buy up on the next day at open when you are getting a full confirmation that RSI has rolled up from 10 levels on the downside. And take profits when the price again crosses the SMA 5 on the downside. So here, in this example, you can see the blue line is the 200 SMA, and the red line is the 5 SMA. The red arrow, it shows that the price is closing below the 5 SMA, and at the same time, you will see the RSI, it's at the 10 or below 10 and rolling up from there, has rolled up from there, daily.
Right. So at this point, we have got the entry. On the next candle, we get the entry. It closed above the 5 SMA. And we exit at a close below the 5 SMA again on the downside. It's a short-term trading strategy. Which one? RSI. It's moving average, 1111. RSI, moving average, one moving average. Basically, it is 2 SMA. Okay. Right. I'll give you the PPT. You can just come to the stall 17, give me your email address, I'll send you the PPT. So similarly here, this is Infosys, 200 SMA, and the 5 SMA is above the 200 SMA. We get a close below the 5 SMA. At the same time, RSI is rolling from the 10 levels. The next day is the buy day. We get a buy and we exit when the price closes below the 5 SMA. A very simple strategy, you don't need to be as RSI guru for it or anything else. Of course it works. Right, simple things are very hard to implement. This is the problem. So this is Reliance. Again, a close below the 5 SMA. And then we buy at the next day. And then we exit when the close is below the 5 SMA. A very simple strategy. I'll tell one thing, Bharat sir. Samajhne wale ko ishara kaafi hai. Itna simple. और इतना पावरफुल और फ्री फिनब्रिज में मिलता है. थैंक यू सो मच भरत सर. देन वी हैव द रूल्स फॉर शॉर्ट शॉर्टिंग के लिए. द प्राइस शुड बी बिलो 200 SMA. द प्राइस शुड मूव अबव द 5 SMA. RSI शुड बी अबव और रोलिंग फ्रॉम द 90 लेवल्स. RSI 2, सेम सेटिंग. Sell at the next day open or on the same day when you see or when you are confirmed about that the RSI will roll down. Take profits when the price crosses the 5 SMA on the upside. So on this chart, you see the price has closed above the 5 SMA. The blue line is 200 SMA. The RSI has already rolled from the 10 levels, 90 levels, sorry, and we exit. So what is the time frame you are talking daily. About? The daily time frame. Right. The price didn't close over the 5 SMA. The close is below the 5 SMA every time. Right. Right. Basically, you are, you know, buying on dips in an uptrend and selling on rise on a downtrend. So this is gold. All are daily charts. Price is above the 5 SMA and price is below the 200 SMA. We get a close above the 5 SMA and RSI has rolled from the 90 levels on the downside. A very simple strategy that you can use in your daily time frames. Now this is Jayaprakash Associate. Again on the first arrow you will see the price was above the 5 SMA. And the price was also below the 200 SMA. RSI rolled from the 90 levels and you get a sell there. This was the first setup. Now we'll talk about another setup. That is the punch setup.
Now, this is the way where you, wherein you can trade divergence. If you are a divergence enthusiast, right? If you like to trade divergence, this is a very simple way where you can trade divergence. So how to trade? This is a basically 2 to 5 bar setups. You need to trade between 2 to 5 bars on the daily charts. You have to look for bull and bear divergence. When you're trading long side, you have to look for bull divergence. When you're trading on the short side, you have to look for the bear divergence. We have to enter or below the high or low of the previous bar on which the divergence occurred. The target is swing low or swing high. Stop loss is the high of the previous bar or the high of the swing. And the risk reward ratio in these trades are very great. So we'll see about long trades. So see on the first, on the left side, you will see the closing. This is Bank Nifty. And the closing is 1833, 1.25. And the RSI is 45.76 at this time. RSI is at 14. On the next, after 4 bars, you will see the close is lower. That is 18308. And the RSI is higher. That is 46.78. Entry will be above the signal bar. Stop loss will be below the swing. Target will be the swing high. And risk reward ratio in this trade is 3:1. So we get the entry here. And the target is met. Daily time frame. You can trade it on any time frame. I'll show you on weekly also and monthly also. Everything. I'll mail you the PPT. Just give me your email address. I'm at stall number 17. You'll get the email. This is Arcom Weekly. The close is at 12.30. RSI is at 26.86. After 2 candles, you get a close at 11.95. That is, the close is lower. But the RSI is at 29.44. That is, the RSI is higher. We have a bullish divergence. This is the entry that we get. And the target is the swing high. And it meets the target. You can use anything you want, right? But basically, if you are getting your target 3:1, you should get out, right? Because divergence are basically trades that are counter to the trend. So it's better to take your profits quickly and get out. Yes, you can use it intraday. This is Infosys. This is an old chart. The close is at 554.89 and the RSI was at 33.60. On the next slide, after 2 or 3 bars, you will see the close is at 552.13 and the RSI is at 35.50. The RSI is higher and the price is closer. It's a bullish divergence. The entry is triggered. The swing high is the target. And you get the target. Now it's on the monthly charts. The close is at 211.65 and the RSI is at 35.74. On the next candle, you will see the close is at 192.15, RSI is at 36.04. Entry is at 211, stop loss is at 158 because it's a monthly chart, so you will have a bigger stop loss and bigger targets also. The target is 381. And risk reward ratio is 3.2. So the entry is triggered. And after a few months, you hit your target. It's a very simple strategy that you can use to trade bullish divergence. Now for bearish divergence. This is a very recent example that I am showing. This is the Nifty future recently, before the budget day. And on the same day, I have tweeted before the budget was out
that a four period RSI punch sell signal on Nifty activates below 11,000. So you can see that the close was 11,065 and RSI was 80.67. After three candles, the close was at 11,072 and the RSI was at 74.1177. So this was a bearish divergence. So entry was below 11,065. Stop loss was the high of the swing. Target was 10,500. Risk is 120 points. Reward is 560 points. And risk reward ratio is 4:7. The entry triggered. And the trade is still on, you see. Which one? You have to see the closing. After two or three bars, you have to see two, three bars, the difference between two, three bars. Right. Basically, if it will be more thing, if you enter below the low of the candle that has occurred. And at the closing, if you can occur, enter, so if it will, you know, take on your risk reward ratio. So basically, as I told you, that these trades are very counter trend. So you have to be very proactive in, you know, taking entries and exits. So this is PC Jewelers. Well, I didn't trade it, but I'm just showing you how RSI works. On the first candle, you will see the closing was at 587.15. And the RSI was at 88.96. After two candles, you will see the closing was at 589.90 and RSI was at 85.28. So there is a bear divergence. The price are making higher closes and RSI is making a lower close. The sell signal occurred at 568, stop loss was at 603, target 440, risk was 35 and risk reward ratio was 3.65. So the entry triggered and we know what happened with PC Jewelers. Well, we didn't trade this one, but again, I just tried to see whether RSI worked on it, and it was very scary to find out that how accurately it works. So this is a Nifty monthly chart. This is also an old chart, and I was very amazed again when I was looking for this setup to see on the monthly chart how it has predicted a crash that occurred in 2008. So basically the closing was at 5907 and RSI was at 85.02. On the next bar, the closing was at 6162 and RSI was at 84.18. The stop loss was the high. And the targets was 2575. So risk was 516 points, reward was 3110 points, and risk reward was 6. Entry triggered, and this happened in 2008. Yes, that's why I'm telling you. On the monthly chart, you will have big targets, big stop losses. I'm looking a major swing on the monthly chart. When we are risking so much, so this was all about RSI. RSI is a very vast subject. Right, you can, you know, book and you can have your multiple targets. That only depends on you, how comfortable you are. Now we'll talk about the volatility factor, that is the Bollinger Bands. And I'll show you basically two setups also. These are also very high probability setups. And you don't need to, you know, have any deep knowledge about technical analysis or anything else when you want to trade these setups. So first is the dual time frame strategy. And the second is the dual band strategy. You can use it in your everyday trading, right? And you will get setups every now and then on it.
So we will be using weekly charts and daily charts. First I'm talking about the dual time frame strategy. So we will be using the weekly chart and the daily charts. For longs, we will look prices to take support on the middle band on the weekly charts. And we will look for the prices to settle near the lower band on the daily charts, right? So for long, we have to see the prices are settling on the middle band on the weekly charts. And on the daily chart, we have to see the prices are settling on the lower bands. For short, just the opposite. So this is Arvind Weekly, and you will see an arrow there where I have marked on the left side, you will see an arrow where I have marked a hammer that has settled on the weekly time frame, on the middle, right? This is the weekly setup. So end of the week setup, you can analyze after the week is over. So the price have settled on the middle band on the weekly charts. And on the daily chart, the prices are hovering near the lower band. Right? You can take entry above the high of the candle and you can write the profits. It's a very simple strategy that you can use without having any big technical knowledge or anything else. Auro Pharma, you can have a look at the arrow where the prices have taken resistance on the weekly chart middle band and on the daily chart higher band. And then we have a sell-off. It's a high probability Bollinger Band trade. When the prices are trading below the swing or the candle. As per your comfort. This is a weekly chart. See, you have an dark cloud cover candle pattern there, right? It tells you about the weakness in the chart and you can enter below the candle, right? So this is Bata weekly, banging on the middle band. Yeah. I'm using Bollinger Band for it, right? I'm basically using the volatility factor of the trading here, right? When the volatility sets in, how can we use volatility for trading here? So this was Bata on the middle band and Bata near the higher band. We get a sell setup and you can ride the trend. Near the higher band, I said. आप मिडिल बैंड टूटने के बाद लो या उस कैंडल के लो पे लो. यू कैन यूज पिवट पॉइंट्स एनीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू नो इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स यू कैन यूज एनीथिंग. सो कैडिला हेल्थ वीकली टेकिंग सपोर्ट ऑन द वीकली चार्ट मिडिल बैंड. भरत सर लोग इतने मोबाइल कैमरा से फोटो निकाल रहे हैं इतना शाहरुख खान का भी फोटो नहीं निकालते. Sir, you have been very humble now. And this is Cadilla Daily, that is on the lower chart, lower band of the daily chart. And again, Federal Bank Weekly on the middle band. And Federal Bank Daily near the higher band. And we also have a volatility squeeze here. It's not the right time to talk about it. So it adds to the probability of this trade. So that's why I told you, see, on the weekly chart, we are already getting a resistance at the middle band, right? And on the daily chart, we're getting an hit on the higher band. So I was looking at that setup. And the volatility squeeze gave me a more of a confirmation that this trade may trend downwards. Right? Now this is about the dual time frame strategy, and then we'll look up on a dual band strategy.
See, basically, this is a mechanical trading system. You don't need to know about the candle patterns. You don't need to know about RSI. You don't need to know how the market works, when it will work. When you will see this setup, just go and trade. It's a very simple setup again. On the Bollinger Bands, you can use it on the daily chart. Only 5 minutes it will take to analyze or, you know, screen through your charts to get this setup. So this is all the literature you will get on the PPT. I'm just rushing through it. So what you need? You need basically two Bollinger Bands. The first is with a 20 period, two deviation, shift will be zero. Don't need to shift the bands. And the second band will be 20 period with one deviation, standard deviation. So we'll need two Bollinger Bands for it. And this is a daily trading strategy. So here, your chart will look like this. You're having basically five bands. First is the middle band. The upper band, one is the one standard deviation, and the other is the second standard deviation, similarly on the downside. So we have numbered it A, B, C, D. A zone, B zone, C zone, and D zone. So long setup is that zone A is our buy zone. If you see, we have a zone A is the buy zone. Signal candle should close in zone A. That means the candle on which we are going to take the trade should close in zone A. Previous two candles prior to the signal candle should close in zone B. That means we need two candles prior to the signal candle to close in the zone B. Buy at close on the signal candle. Stop should be below the signal candle, and minimum target is 1:2, and you can also, you know, trail positions as long as that price are in zone A. So if you see at this setup, the candle 1 and the candle 2, they are too close. We're getting on the B zone, in the B zone. The third close is in the A zone, and this is our buying candle. We'll buy at close. We will see at the close around 315, 320 that the candle is closing in the zone A. We are going to buy it. And then we can ride the trend till the candle is, till the candles are closing in zone A. Similarly here, two closes in the zone B, and the third candle closes in the zone A, we'll buy it, and we can ride the trend until the price travels in the A zone, or you can also exit as per your comfort levels. Same strategy, we are getting two closes in the zone B, the third candle closes in zone A, and we can ride the trend till prices remain in zone A. Ica Motors, same strategy. Godrej Industries, same strategy. This is Hero Motors. I'm just rushing through the slides. This is Syntex. Short trade setup. I'm not taking the candle patterns. No, actually I should. We'll just discuss about the current market levels. Just give me 5 minutes, sir. Okay. So we'll just talk about the market ahead. So this is Nifty. We are expecting a support at 10,690. And if it doesn't hold, we are traveling at 10,500. And after that, 10,500, we'll see what course the Nifty takes. This is gold. We have an inverse head and shoulder breakout, test of the breakout, and we have a minimum target of 33,500. This is the head and shoulder target. It is the minimum target. This is USD NIR. We have a kicker candle. This is the weekly chart. The RSI is well above the bullish level, and we have a minimum target of 65.33. This is crude monthly chart.
We have an inverse head and shoulder, and the minimum target is 5,800. These are weekly charts, so don't expect anything to happen overnight. This is crude oil, again. And these are bitcoins. We are at a good support now, but if this support breaks, the bitcoin can go to 4,000 levels. But we are at support now. The channel support is there and the Fibonacci supports are there. And final word, simple things are the most toughest to implement. As I've always told and learned, this is a very simple chart of crude. Line charts and RSI. And this is an ongoing trade, how you can trade with line charts and RSI only. So thank you for this presentation, and I'll see you at stall number 17. And if you want to know anything, thank you so much. It's a pleasure speaking.